नमस्कार, मैं महावीर और आप देख रहे हैं हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है जीवन यात्रा। आज बात भजन सम्राट नरेंद्र चंचल जी की। नरेंद्र चंचल जी का जन्म 16 अक्टूबर 1940 को अमृतसर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। वह एक धार्मिक माहौल में पले और बढ़े, यही वजह थी जिन्होंने उन्हें भजन आरती गाने के लिए प्रेरित किया। उनके माता पिता देवी दुर्गा के अनुयायी थे, इसीलिए बेहद कम उम्र में उन्हें भजनों से दिलचस्पी थी। यही वजह रही कि वो भजन सम्राट कहलाते हैं। चंचल जी स्कूल में बहुत शरारती बच्चों में से थे, इसीलिए शिक्षकों ने उन्हें चंचल नाम दिया था। यही वजह रही नरेंद्र जी ने बाद में अपने नाम के साथ चंचल शब्द जोड़ दिया। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने खुद नरेंद्र चंचल जी के साथ डिवोशनल वीडियोस की हैं, जहां मैंने देखा नरेंद्र चंचल जी हमेशा सेट के साथी कलाकारों के साथ हमेशा हंसमुख अंदाज में रहा करते थे। इससे सेट का पूरा माहौल खुशनुमा बना रहता था। बात करते हैं उनके फिल्मी करियर की। उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी, जो 1973 में रिलीज हुई थी, उसमें प्लेबैक सिंगर के रूप में पहला गीत गाया, जिसमें ऋषि कपूर और डिंपल कवाड़िया ने अभिनय किया था। गीत था इस गाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई गाने गाए जो काफी लोकप्रिय हुए। लोकप्रिय धार्मिक गायक चंचल जी, वो एक बेहतरीन लेखक और कवि भी हैं। उनके लेख अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित होते थे। उन्होंने बॉलीवुड में पहचान तो बनाई, लेकिन फिर भी उन्होंने भजन पे अपना ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। उनके इस योगदान के लिए राज कपूर मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपनी जीवनी मिडनाइट सिंगर प्रकाशित की, जो उनके जीवन की कहानी और उनके संघर्ष को उजागर करती है। और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। 80 वर्ष की उम्र में आज उनका निधन हो गया। बॉलीवुड कैलेंडर की टीम अपनी ओर से नरेंद्र चंचल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम हमेशा उनके भजन, उनके गीतों के माध्यम से उन्हें याद करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए bollywoodcalendar.com।